इस बार पार्टी अपने वादों के आधार पर नहीं जनता की आशंकाओं के आधार पर घोषणा पत्र तैयार करेगी। ये कहना है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराज का, जिन्होंने आज झांसी में एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें उन्हें आए हुए लोगों से सुझाव मांगे जिसके आधार पर 2019 लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाया जा सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके अंतर्गत आज झांसी के हंसारी में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पंचायती प्रतिनिधि का सम्मेलन हुआ। ये पूरी क्या प्रक्रिया आपने शुरू की है और कैसे चल रही है? आदरणीय राहुल जी ने सबसे पहले तो घोषणा पत्र की प्रक्रिया को इस बार केवल चंद लोगों के हाथों में सीमित न रखते हुए उस प्रक्रिया को खोला और उनकी ये सोच थी कि ये जो घोषणा पत्र है वो जनता की आवाज़ इसमें सुनाई देना चाहिए और ये जन भागीदारी से ही ये घोषणा पत्र बनना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कमेटी गठित की, उसमें प्रोफेसर राजीव गौड़ा जी हैं, पी चिदम्बरम साहब उसकी निगरानी करते हैं और उसमें अलग अलग विभागवार लोगों को जिम्मेदारी सौंपी। उसमें से जैसे मुझे पंचायत के जनप्रतिनिधियों से, देश भर के पंचायत के नुमाइंदों से और नगरीय निकाय के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से उनकी राय, उनका मशवरा लेने का जिम्मा सौंपा गया। ऐसे देश भर में अलग अलग तबकों से, अलग अलग पेशों से जुड़े लोग और अलग अलग क्षेत्र और भाषा बोलने वाले लोगों से उनके सुझाव विचार लेने का फैसला हुआ और एक सही मायने में एक ओपन प्रोसेस के ज़रिए घोषणा पत्र को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और मुझे विश्वास है कि ये जो घोषणा पत्र होगा ये लोगों की आकांक्षाओं और जो उनकी अभिलाषाएं हैं उसका प्रतिबिंब होगा और ये जनवरी 30 तक की कंसल्टेशन की हमारी जो अभी प्रक्रिया चल रही है वो पूर्ण होगी। इसमें हमने एक मैनिफेस्टो के लिए, सुझाव के लिए एक वेबसाइट भी बनाया है, manifesto@inc.in। इसमें कोई भी आम नागरिक अपने सुझाव और विचार भेज सकते हैं। साथ में एक व्हाट्सएप का नंबर भी है 7292088245। इस नंबर पर किसी भी भारतीय भाषा में वो अपने सुझाव और विचार प्रेषित करेंगे तो उसको भी इस घोषणा पत्र में शामिल करने का प्रयास होगा, बशर्ते कि वो यूनियन लिस्ट का या फिर समवर्ती सूची का विषय हो। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों ने देश भर के अलग अलग शहरों में इसके लिए कार्यशालाएं की हैं और उसी तारतम्य में आज बुंदेलखंड में झांसी में हमने ये आयोजन रखा है।